हेलो फ्रेंड्स, ये है सोनाटा सुपर फाइबर में किड्स के लिए एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल मैं जो आपके रूबरू कर रहा हूँ। डिजिटल में ये आर्टिकल किड्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। 87012PP01234 87011PP01 से लेके 4 तक आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। 585 और 600 की प्राइस रेंज में 87011। आर्टिकल की लुक आप देख सकते हैं, चाहे हाथ छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब हाथ के लिए ये परफेक्टली मैच है। अब ये आप कह नहीं सकते कि गर्लिश है या बॉय की है, क्योंकि किड्स सबके लिए एक जैसा है, ये आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर है, इसमें किसी तरह का आपको कोई कंप्लेंट इसमें नहीं देखने को मिलता। 6 मंथ की वारंटी है इसकी। कलर कॉम्बिनेशन भी इसमें परफेक्ट दिए गए हैं। 30 मीटर वाटर रेसिस्टेंट है और बैक कवर इसका स्टेनलेस स्टील है। यहाँ पे आपको QR कोड कंपनी का जो होता है वो भी देखने को मिलेगा। आज हम इस वॉच की टाइम कॉन्फ़िगरेशन और इसके बाकी फीचर्स के बारे में जानकारी लेंगे। 4 बटन दिए गए हैं, लाइट मोड, स्टार्ट एंड रीसेट। लाइट बटन से आपको लाइट विजिबल होगी, जो कि नाइट विजन में होती है, डिजिटल लाइट होती है। ऑलमोस्ट जो सोनाटा के आर्टिकल्स आते हैं उनमें आपको डिजिटल लाइट देखने को मिलती है। इसके बाद है मोड बटन। मोड बटन से आपने मोड में शिफ्ट करना है, यानी जो भी आपने सेटिंग्स डन करनी है उस पोर्शन में शिफ्टिंग करनी है। स्टार्ट एंड रीसेट बटन से आपने सेटिंग को परफॉर्म करना है। मोड बटन को हम सिंगल टाइम प्रेस करते हैं, स्टॉप वॉच है। ये जो स्टार्ट बटन है, इस बटन से स्टॉप वॉच स्टार्ट होती है। जो ऊपर राउंड सा आ रहा है, इसमें जो रनिंग हो रही है वो मिली सेकेंड है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेकेंड है, और ये मिनट का ऑप्शन है। 60 मिनट के बाद, सेकेंड्स के बाद यहाँ पे मिनट 1 हो जाएगा। इसी स्टार्ट बटन से आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है। ये जो रीसेट बटन दिया हुआ है, इस बटन से आपने स्टॉप वॉच को रीसेट करना है। स्टार्ट और रीसेट इसी के लिए दिया हुआ है, स्टॉप वॉच के लिए। अब मोड बटन को 2 बार प्रेस करेंगे, अलार्म मोड आ रहा है। अलार्म मोड में आपको जो एच में दिखाई दे रहा है, यानी ये 24 आवर सेटिंग होती है। कितने बजे का अलार्म रखना है हमें, 5:10 का सुबह का। तो जो आपका पोर्शन ब्लिंक हो रहा है वो स्टार्ट बटन से आपने उसे चेंज करना है, उसको सेट करना है। 5 कर दिया, अब अगले पोर्शन को शिफ्ट करना है, ब्लिंक करेगा तो वो ये रीसेट बटन से यहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो गया। स्टार्ट बटन के माध्यम से हम मिनट्स को सेट करेंगे, 5:10। 5:10 डन हो गए, मोड बटन से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बेल का आइकन आ रहा है, रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो पता चलेगा कितने बजे का हमने अलार्म रखा है। अलार्म को ऑफ करना है, स्टार्ट एंड रीसेट बटन को एक साथ प्रेस करेंगे, बीप का साइन आएगा, बीप सुनाई देगी आपको और आपका जो साइन है अलार्म का वो हट जाएगा। दोनों बटन को एक साथ फिर से प्रेस करेंगे, बीप होगी और अलार्म ऑन हो गया। अब आता है टाइम कॉन्फ़िगरेशन। 3 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड ब्लिंक होते दिखाई दे रहे हैं। अब मेरा करंट टाइम है शाम के 8:15। रीसेट बटन को एक बार प्रेस किया, जो सेकंड्स ब्लिंक हो रहे थे वहाँ से शिफ्टिंग होगी मिनट्स पे। स्टार्ट बटन के माध्यम से मैं इसको 15 कर देता हूँ, अभी 15 हो जाएगा, ये देखिए, हाँ 15 हो गया। रीसेट बटन को एक बार फिर से प्रेस करेंगे, मिनट्स ब्लिंक हो रहे थे अब आवर ब्लिंक होने शुरू हो गए। एच आ रहा है तो मैं इसे नॉर्मल सेटिंग में स्टार्ट बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करके कर लूँगा। आगे चला गया तो इसको फिर से कंटिन्यूसली प्रेस करते हैं और ये देखिए,
अब स्टेप बाय स्टेप मैं 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ। 8:15 हो गया। रीसेट बटन को फिर से प्रेस किया तो ये आ गया आज की डेट। अगर चेंज करना है तो स्टार्ट बटन से आप इसे चेंज कर सकते हैं। रीसेट बटन को फिर से प्रेस करेंगे, मंथ आ गया। मेरा करंट मंथ 2nd ही है, फिर भी मैं आपको स्टार्ट बटन से सेट करके दिखा रहा हूँ। रीसेट बटन को अगेन प्रेस किया, W जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो गया। आप स्टार्ट बटन से चेंज कर सकते हैं W फॉर वेडनेसडे। सब सेटिंग परफॉर्म्ड होने के बाद मोड बटन से आप बाहर आ जाएंगे। 8:16 हो गए, अलार्म मेरा ऑन हो गया। अलार्म को ऑफ करना है तो स्टार्ट एंड रीसेट बटन को एक साथ, स्टॉप वॉच को अगर रन करना है 1 टाइम प्रेस किया, स्टार्ट बटन से स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी, स्टार्ट बटन से स्टॉप वॉच स्टॉप होगी, रीसेट बटन से रीसेट होगी। 2 बार हम प्रेस करेंगे, अलार्म मोड में शिफ्ट हो गए। 5:10, 6:10 का रखना है, 6:10 कर दिया। अगर चेंज करना है 6:15 का, मैं 6:15 कर देता हूँ। मोड बटन से बाहर आ गए, अलार्म कितने बजे का लगा रीसेट बटन से चेक किया, ऑफ करना, दोनों बटन को एक साथ प्रेस किया। 3rd स्टेप होता है इसका टाइम सेटिंग का, ये पोर्शन ब्लिंक हो रहा है तो ही टाइम सेटिंग होगी। एक बार फिर से प्रेस किया तो ये सेटिंग लॉक हो गई। तो ये इसका टाइम कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है। 6 मंथ की वारंटी है और टाइटन के आप किसी भी स्टोर से इसकी वारंटी ले सकते हैं और टाइटन के किसी भी स्टोर से आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। किड्स के लिए एक सबसे बेहतरीन आर्टिकल है। थैंक यू वेरी मच।